इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, ये बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि इसकी संभावना ना के बराबर है कि चुनाव के पहले विपक्षी गठबंधन अपनी तरफ से पीएम का कोई उम्मीदवार सामने करे, क्योंकि सूत्रों का यही कहना है कि चुनाव के बाद यदि नौबत आई तब प्रधानमंत्री का चेहरा तय किया जाएगा। लेकिन उसके पहले इंडिया गठबंधन में पीएम पद की रेस जो है वो लगातार देखने को मिल रही है, और खासतौर पर तब जब जब इंडिया गठबंधन की बैठक होती है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक हो रही है, तमाम इलाकों में इंडिया गठबंधन के नेताओं की तस्वीरें लगाई गई हैं आयोजकों की तरफ से, यानी महाराष्ट्र की जो महाविकास अघाड़ी है उनकी तरफ से। लेकिन इसके अलावा अलग अलग पार्टियों के जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने भी अपने नेता की तस्वीरें लगाई हैं, और उनमें सबसे खास है जेडीयू नेताओं की तरफ से लगाए गए नीतीश के पोस्टर, जिस पर लिखा है देश मांगे नीतीश, यानी नीतीश की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश करती हुई तस्वीरें जेडीयू के नेताओं की तरफ से लगाई गई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ लिखा है देश मांगे नीतीश, और इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके के पोस्टर होर्डिंग जो है वो तमाम इलाकों में मुंबई के लगे हुए हैं, खासतौर पे उस इलाके में जहां पर कि ये बैठक हो रही है। इससे पहले इंडिया की बैठक पटना में हुई थी, वहां भी जमकर पोस्टरबाजी हुई थी, बेंगलुरु की बैठक में भी पोस्टरबाजी देखने को मिली, और अब मुंबई की बैठक में पोस्टरबाजी दिख रही है, जिसमें कि जो आपसी रेस है वो कहीं ना कहीं खुल करके सामने आता है। हालांकि ये आधिकारिक पोस्टर नहीं है, इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों की तरफ से पीएम पद को लेकर के या गठबंधन के चेहरे को लेकर के कोई आधिकारिक बयानबाजी नहीं की जा रही है, लेकिन पार्टियों के नेता और प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी के शीर्ष नेता को पीएम के दावेदार के तौर पर पेश कर रहे हैं बयानों में, और इसी की तरह नेता और कार्यकर्ता अपने नेता को पीएम के दावेदार के तौर पर पेश करते नजर आ रहे हैं होर्डिंगों में। तो ये सियासत जो है उस पर लगाम लगती है या नहीं, ये देखना होगा। और सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि क्या इंडिया गठबंधन ये आपस में तय करने में कामयाब होता है कि हम एक चेहरे के साथ चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने के लिए एक चेहरा उतारें और एक चेहरे के साथ चुनाव में उतरें। ये सवाल, जाहिर सी बात है, इसका जवाब भविष्य में ही मिल पाएगा। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज़, मुंबई।